आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के महादेवपुर में हुए विवाद में स्थानीय ग्रामीणों ने फायरिंग की बात को बताया पूर्ण रूप से झूठ। बीते 23 जून को दो पक्षों में विवादित जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर के विवाद हो गया। इस मामले में एक पक्ष की तहरीर पर स्थानीय पुलिस द्वारा MO/0/0/105/21 धारा 307, 323, 506 दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए मीडिया की टीम महादेवपुर गांव में पहुंची। ग्रामीणों से बातचीत करने पर पता चला कि तहरीर में जो फायरिंग की बात की गई है वह सरासर गलत है। गांव की ही महिला फूला देवी, विद्या, सविता आदि ने बताया कि दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर पर लाठी डंडा लेकर पहुंचा था और लालकार रहा था। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोग अपना बचाव करने के लिए लाठी डंडे और एक नकली बंदूक डराने के लिए निकाल लिए। किसी ने इसी का वीडियो बना लिया। स्थानीय पुलिस ने वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। तहरीर में फायरिंग की बात की गई है जो कि पूरी तरह से गलत है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। है आपका? सिद्धिया। कहाँ की निवासी हैं आप? आप फैजाबाद के। अच्छा अच्छा, यहाँ आपका क्या है? बहनियाओं। तो जिस दिन 23 तारीख को घटना हुई थी उस दिन आप यहाँ थी? हाँ, उसी दिन के दो दिन पहले मैं आई थी, मेरी बहन की शादी थी। हाँ। मैं रुक गई यहाँ महादेवपुर में। हाँ, महादेवपुर में मैंने रुक गई। हाँ। तो मैं घटना जब हुई तो मौके पे मैं भी वहाँ गई, देखी तो वो लोग 20-25 लोग थे, ये अकेले थे। हाँ। ये नकली वो धरा था बच्चों के खेल के लिए। अच्छा। वो लेके खड़ा हो गए। हाँ। उसी का ये लोग वीडियो बना लिए। अच्छा। तो बाद में सब लोग जुटे तो वो लोग भाग गए। अच्छा अच्छा। तो इनको फंसा दिए इसी में, और फिर शाम सवेरे मर्द जैसे घर में नहीं रहते और लोग 20-25 लोग हैं तो आके घूम घूम गाली देते हैं। तो कोई फायरिंग वायरिंग भी हुई थी क्या? फायरिंग वायरिंग कुछ नहीं हुई थी। हाँ। खाली वो नकली थी लेके इसे खड़े हो गए, उनको चलाने वलाने कुछ नहीं आता है। हाँ। खाली वो लेके निकाल दिए घर से, नकली थी। अच्छा अच्छा ठीक। परिचय दीजिए अपना। कहाँ की हैं? महादेवपुर। महादेवपुर में बीते 23 तारीख को एक विवाद हुआ था। हाँ। जिसमें गोली वोली चलने की बात हो रही है, तो क्या सच्चाई है उसमें? क्या सच्चाई ये है कि उनके ऊपर वो मारा के घेर लेना के गुलाबचंद के मारा घेर लेना मदन के। हाँ। तो उसमें मदन गोली वोली चलाए हैं क्या? नहीं, गोली ना चली। गोली वोली नहीं चली है? बझावा खाते तो इसके लिए कोई जांच उच करने आया था पुलिस वाला? हाँ, पुलिस आया। तो आप लोगों ने उसे नहीं बताया? नहीं, उनसे बताना चाहिए था। क्यों नहीं आपने बताया? कल माना के तैयार ना तोड़ फोड़ कर जाएंगे। कौन तोड़ फोड़ किया? अरे घर में हल्के। कौन तोड़ फोड़ किया? पुलिस ने। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। अक्सा बक्सा सब खोल के और कुछ सामान फेंक बाहर डाला। अच्छा अच्छा, चलिए। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।